जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। हमारे डियर स्टूडेंट, कल वाले वीडियो में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में जाना था। तो किसी भी बॉडी में अगर मोशन है और उस मोशन के कारण अगर उस बॉडी में क्या है, एनर्जी है, तो हम लोग जानते हैं कि उस बॉडी में क्या है, एनर्जी है। तो किस प्रकार का एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी है। उसी प्रकार से हमारे डियर स्टूडेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, एक हाइट तक उठाते हैं, एक हाइट तक उसको अगर उठाते हैं, तो हमारे डियर स्टूडेंट उसमें क्या होता है, एक टाइप का एनर्जी आ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स आज का जो ये हमारा लेक्चर होने वाला है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर होने वाला है। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, जैसे देखिए, ये अगर आपके पास में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को यहां पर मान लीजिए ए। अब यहां पर जो है, इसी ऑब्जेक्ट, या ए नहीं भी मानेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट को उठा करके इस हाइट तक लाया गया है। क्या? इस हाइट तक लाया गया है। और ये जो हाइट है डियर स्टूडेंट, ये एच हाइट तक लाया गया है। कितने हाइट तक लाया गया है, तो एच हाइट तक लाया गया है। अब देखिए, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे इधर एक फोर्स काम करेगा एमजी, और यही इसका क्या होता है, वेट कहलाता है। मतलब यहां पर इसको वेट को फोर्स के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। आपने इस चीज को पढ़ा ही होगा पहले से ही, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या, अगर कोई भी तो क्या हमारे डियर स्टूडेंट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसका वेट है, तो वो वेट उसमें किसके कारण होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में अगर वेट है, तो वो किसके कारण है, तो उस वो जो वेट है उसमें, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण है, या बोल लीजिए आप ग्रेविटी के कारण उसमें क्या है, वो वेट है। तो हमारे डियर स्टूडेंट, इसमें भी क्या होगा, वेट होगा। तो वेट जो होगा किसके कारण होगा, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण होगा। यहां पर ये डब्ल्यू से आप लोगों को वर्क डन नहीं समझना है, ये डब्ल्यू फोर क्या है, तो वेट है। क्या है, तो वेट। तो इस तरह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण क्या है, वेट है। और हम लोग जानते हैं फोर्स का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, तो एमजी होता है। अब देखिए, अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को उठाना है, यहां से क्या करना है, ऊपर की तरफ ले जाना है, तो आपको इस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि इसका जो वेट है वो एमजी है। इसका वेट क्या है, एमजी है। तो उतना ही फोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ इस ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए लगाना पड़ेगा। मींस क्या, यहां पर आपको यहां तक लाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो एमजी फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखिए हमारे डियर स्टूडेंट, जब आप इस पर फोर्स लगाए और फोर्स लगाए इसको यहां पर एच हाइट तक लाया, तो आपने क्या किया, आपके द्वारा कुछ वर्क डन हुआ। आपके द्वारा क्या हुआ, तो वर्क डन हुआ। तो ये वर्क डन की क्या हुआ होगा, तो देखिए आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया, और एस डिस्प्लेस्ड हुआ ये बॉडी, कितना, एस डिस्टेंस से डिस्प्लेस्ड हुआ। मींस अब देखिए यहां पर एफ का वैल्यू क्या है, आपका एफ का वैल्यू एमजी है, तो आप यहां पर रख दिए एमजी। और कितना डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ है, तो एच हाइट से डिस्प्लेस हुआ। मींस डब्ल्यू, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो डब्ल्यू है, ये यहां पर डब्ल्यू वर्क डन है। देखिए ये जो है आपको क्या है, तो वर्क डन है। अब हमारे डियर स्टूडेंट इस चीज को समझिए कि आप जब इस ऑब्जेक्ट को यहां पर रखे थे, तो यहां पर इसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं था। क्या, पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, तो नो पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को जब आपने यहां तक उठाया, इस ऑब्जेक्ट को जब आपने यहां तक उठाया, तो अब इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। क्या, अब यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है इसमें। अब इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आया वो किसके कारण आया, अब देखिए आपने जो यहां से इस बॉडी को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क किया, वही वर्क के कारण यहां पर क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी है। इसी वर्क के कारण, क्या, तो इस वर्क के कारण। तो कहने का मतलब ये जो वर्क हो रहा है हमारा डियर स्टूडेंट, वो एमजीएच का वर्क हो रहा है, तो यही क्या है, आपको पोटेंशियल एनर्जी है। जितना आपने वर्क किया, उस वर्क डन के ही कारण उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो वर्क डन इक्वल टू एमजीएच, और एमजीएच इसके बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन प्राप्त हो गया, क्या, तो एमजीएच।
ठीक है। अब एक तो बात यहां पर ये हो गई। अब देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट इसमें क्या है कि देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मास का। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास उस ऑब्जेक्ट में उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान के चलिए कि अगर आप क्या करते हैं 10 केजी का एक स्टोन को, 10 केजी का एक स्टोन को उठा के एच हाइट तक लेकर के जाते हैं, फिर आप क्या करते हैं नीचे आते हैं सीढ़ी से, फिर से आप क्या करते हैं एक 20 केजी का स्टोन को उठा के एच हाइट तक लेकर के जाते हैं, तो दोनों में से पहला वाला कंडीशन और सेकंड वाला कंडीशन में तो ज़्यादा किस में होगा, ज़्यादा जो पोटेंशियल एनर्जी वो किस में होगा, तो सेकंड वाले में, क्योंकि सेकंड वाले का क्या है मास ज़्यादा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे डियर स्टूडेंट, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, तो ये एच का, किसका, तो ये एच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करिए कि आपके पास में ये बॉडी है, ये 5 kg का बॉडी है, यहाँ पर दूसरा बॉडी ले लिया मैंने, और ये भी जो है 5 kg का ही है, ये भी बॉडी आपको कितना का है, तो 5 kg का ही है। अब इसको आपने एच हाइट दिया है, मान के चलिए आपने इसको क्या किया 10 मीटर के हाइट तक लेकर के गया है, ठीक है। अब इस वाले बॉडी को आपने क्या किया, तो यहाँ से 12 मीटर का हाइट दिया इसको, क्या, तो 12 मीटर का हाइट दिया, मास तो वही रहा, क्या मास अगर यहाँ पर m था तो मास यहाँ पर भी m ही है, मतलब 5 kg का बॉडी का आपने उठाया, अब यहाँ पर भी 5 kg का बॉडी को 10 मीटर के हाइट तक लेकर गया था, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर, अब बताइए यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा या यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हाइट ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो ज़्यादा होगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो डिपेंड करता है वो मास और हाइट पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो हाइट का और मास का। मींस हाइट अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, मींस मास अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का दो टाइप पढ़ना है हम लोगों को, एक जो टाइप है अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, क्या पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो एक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है हम लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर एक पढ़ना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए अगर किसी भी बॉडी को आप क्या करते हैं, मान के चलिए ये हमारा अर्थ है, ये क्या है अर्थ है, इस अर्थ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, अब क्या किया मैंने जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाया तो एक फोर्स क्या कर रहा है, एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें लग रहा है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, तो इस ग्रेविटी इसको उठा के मैंने कहाँ डाल दिया, ये एच हाइट पर ला दिया, तो इसके कारण जो इसमें क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, क्या कहेंगे, तो उस कंडीशन में इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट क्या करते हैं कि आपके पास में एक तीर धनुष है, आपने क्या किया उस बो को या तीर धनुष को आपने ऐसे खींचा तो स्ट्रेच हुआ, क्या हुआ स्ट्रेच हुआ, इलास्टिसिटी है उसमें, अब जब वो स्ट्रेच हुआ तो उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो गया, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए हमारे डियर स्टूडेंट कि क्या कोई भी ऑब्जेक्ट में, क्या कोई भी ऑब्जेक्ट में दोनों एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों हो सकता है, जैसे मान के चलिए कि ये आपका क्या है, ये आपका माउंटेन है, इस माउंटेन के ऊपर पे ये पत्थर रखा हुआ है, तो ये एच हाइट तक है इसलिए इसमें क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब इस पत्थर को आपने क्या कर दिया, लुढ़का दिया, अब ये पत्थर इधर गिरने लगा,
तो अब इस वाले पत्थर में जो होगा पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगा। मींस इसमें पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण है, एच हाइट पर तक है, तो एच हाइट के कारण मतलब एक हाइट के कारण इसमें क्या है तो पोटेंशियल एनर्जी है। और देखिए ये मूव भी कर रहा है, तो मूव करने के कारण जो एनर्जी होता है हमारे डियर स्टूडेंट उसको क्या कहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब देखिए यहां पर एक बात और निकल के आती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को क्या अगर कर दें हम लोग प्लस कर दें तो यहां से जो निकल कर आता है इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो मींस अगर आपको पूछे व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहां पर आप लोगों को ये बात पता चल गया होगा कि अगर कोई बॉडी है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है और काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है। अब यहां पर मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर वाटर का टैंकी, वाटर का जो टैंक होता है वो अगर आपके छत के ऊपर पर रखा हुआ है तो आप बता सकते हैं कि उसमें क्या है, तो उस टंकी में जो पानी रखा हुआ है उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है बिकॉज ऑफ सम हाइट, एंड जब उस पानी को आप क्या करें नीचे गिराएं, उस टंकी में छेद करके उस पानी को नीचे गिराएं, तो उस पानी में दोनों होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी तो होगा ही काइनेटिक एनर्जी भी होगा। अब हमारे डियर स्टूडेंट देखिए, जब आप क्या करते हैं तीर धनुष लिए और धनुष में तीर को लगाए और उसको जब ऐसे करके खींचते हैं तो आपके द्वारा क्या हो रहा है हमारे डियर स्टूडेंट, तो वर्क डन हो रहा है। अब ये जो वर्क डन है एक पॉइंट पे आके क्या होता है, उस जहां पर तीर लगा हुआ है उस पॉइंट पर आकर क्या होता है, जब आप ऐसे करके रोके एक निश्चित पॉइंट तक ही आप उसको क्या कर सकते हैं, धनुष को खींच सकते हैं। तो निश्चित पॉइंट पर जहां पे आपने धनुष को रोक के रखा है तीर चलाने से पहले क्या करते हैं, कुछ समय के लिए रोकते हैं, तो आपके द्वारा वर्क डन हुआ। अब वो जो वर्क डन है वो क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब जब आप तीर धनुष को ऐसे खींचे हुए रहते हैं तो उस धनुष में क्या होता है, खींचे हुए भाग पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहता है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किसके कारण हुआ, तो आपके द्वारा वर्क जो किया गया। अब जैसे ही आप उस तीर को छोड़ते हैं, जैसे ही आपने तीर को छोड़ा तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी था वो क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी में, और वो किस में चले गया, आप जो तीर जो लगाए हुए थे धनुष में। इस तरह से आप लोगों ने ये देखा कि सबसे पहले आपके द्वारा वर्क हुआ, वर्क होने के बाद फिर से पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर हुआ, फिर पोटेंशियल एनर्जी के बाद फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हुआ और किस तरह से फिर एरो जाने लगता है। तो ये था हमारा कुछ कॉन्सेप्ट। अब देखिए हमारे डियर स्टूडेंट एक चीज और है, अब देखिए यहां पर ये आपका बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पर ये मुनव्वर राणा खड़ा है, कौन, तो मुनव्वर राणा खड़ा है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इस तरीके से एक बॉल को पकड़े हुए हैं, एक बॉल को क्या है, ये मुनव्वर राणा बॉल को पकड़े हुए हैं, इसका थोड़ा सा यहाँ पर माउथ बना देता हूँ। अब यहाँ पर इस वाले कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या इसके पास में, बिल्कुल होगा पोटेंशियल एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी होगा, नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये बॉल में मूवमेंट नहीं है, बस ये पकड़ कर खड़ा है बॉल को, तो इसलिए इसमें क्या काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। अब देखिए जब आपने इस ये जो मुनव्वर राणा है इसने क्या किया, बॉल को छोड़ दिया, अब बॉल आया इस जगह पर, कहाँ आया, ए वाली पोजिशन पर। अब बताइए हमारे डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, इसमें ये तो एच हाइट तक है, एक हाइट है यहाँ तक, इसलिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगा एंड काइनेटिक एनर्जी भी होगा, क्या, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा क्योंकि बॉल मूव कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर बताइए ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा या ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी इस वाले कंडीशन में। अब देखिए ये बॉल यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पर चले आया, कहाँ पर चले आया, यहाँ पर चले आया, मीन्स अब इसमें भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा और काइनेटिक एनर्जी होगा। अब मान के चलिए कि ये बीच वाले जगह में चले आया, क्या बीच वाले जगह में चले आया, मतलब ऐसा पोजिशन पर आ गया जहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही बराबर होगा, क्या। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हाइट कम होते जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होते जा रहा है, लेकिन बढ़ते कौन जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी। आखिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ते क्यों जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न यही है कि क्योंकि जैसे ही आप क्या करेंगे बॉल को अर्थ पर ऐसे करके गिराएंगे
तो जैसे जैसे वो अर्थ के पास जाते जाएगा तो उसका स्पीड क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो अर्थ के पास जैसे जैसे वो बॉल पहुंचते जाएगा तो उसका स्पीड क्या होते जाएगा, ग्रेजुअली बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे उसका स्पीड क्या होते जाएगा, तो बढ़ते जाएगा, जिसके कारण उस बॉल में पहले की अपेक्षा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन उसका हाइट भी साथ साथ कम हो रहा है, उसका हाइट क्या हो रहा है, साथ साथ कम हो रहा है, तो इसी वजह से उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। क्योंकि मैंने आपको इससे जस्ट पहले बताया था कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच का। तो जैसे अगर हाइट घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखिए क्या होगा, जब ये बॉल इस तरह से ग्राउंड पे आके स्ट्राइक कर देगा, मतलब सी वाली कंडीशन पे आ जाएगा, तो देखिए हमारे डियर स्टूडेंट, अगर ये वाला बॉल ग्राउंड पे आके स्टक कर जाए तो बताइए क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब इसका हाइट जीरो हो चुका है, मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो होगा। अब ये जो बॉल है, क्या ये बॉल मूव कर रहा है, तो हमारे डियर स्टूडेंट आंसर क्या है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मतलब हाइट मींस ये मूव नहीं कर रहा है, क्या मूव नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, जीरो होगा। तो कहने का सीधा सा मतलब है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर प्लस करें तो मान के चलिए आपका एक्स आएगा, क्या होगा, तो एक्स जूल आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी एक्स जूल ही आएगा। फिर इस वाली कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, जब दोनों को प्लस करेंगे तो एक्स जूल ही आएगा, लेकिन इस वाले कंडीशन में अगर आप प्लस करेंगे तो एक भी एनर्जी जीरो नहीं है, मतलब एक भी एनर्जी यहाँ पर मतलब कोई भी एनर्जी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक आने तक में, स्थिर होने तक में जो एनर्जी था वो क्या था, सेम था, बस इसको छोड़कर एनर्जी मतलब यहाँ पर एनर्जी को प्लस करेंगे तो वही होगा जो कि यहाँ का एनर्जी होगा, यहाँ की का भी एनर्जी वही होगा, मतलब यहाँ तक जो सेम एनर्जी होगा, इसी को हम लोग इसी तरह से हम लोग प्रूव करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, लेकिन यहाँ पर उस वाले टॉपिक को हम लोग नहीं देखेंगे। कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी बॉल को छत पर से गिरा रहे हैं, तो उस बॉल को जो पकड़े हुए थे वहां पर जितना एनर्जी था, जब तक वो जमीन पर गिर नहीं जाएगा तब तक उसका जो एनर्जी है वो सेम ही रहेगा, लेकिन सिर्फ यहां पर कंडीशन ये होगा कि धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी घटते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। बस बात इतना सा ही है, एनर्जी लेकिन सेम रहेगा दोनों को अगर प्लस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट है वो है स्प्रिंग का, एक स्प्रिंग का आता है। जैसे देखिए ये आपके पास में ये ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक में इस तरह से ये आपका स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया है। अब मान के चलिए ये वाला जो ब्लॉक है इस तरह से रखा हुआ है और इस ब्लॉक को आपने खींच के थोड़ा सा क्या कर दिया, इस ब्लॉक को खींच के आपने थोड़ा डिस्टेंस तक ला दिया, थोड़ा ये जो डिस्टेंस है मीन्स आपने जो है यहाँ पर इस ब्लॉक को थोड़ा सा मीन्स इस तरह से आपने क्या कर दिया, इसको अपने जगह से हटा के ये यहाँ तक था तो आपने इसको क्या किया, एक्स डिस्टेंस तक लेकर के चले गया। अब देखिए यहाँ पर जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसी वजह से क्या होगा, यहाँ का जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग एफ मानेंगे, क्या मानेंगे, एफ मानेंगे। तो अब देखिए इस डिस्टेंस तक मतलब एक्स डिस्टेंस तक इसको हमने किया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इस कंडीशन में जो हम लोग को फोर्स का जो लेंगे वो क्या होगा, एफ डायरेक्टली माइनस एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब इसको जब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा के इंटू एक्स। अब यहाँ पर जो ये के है, ये के क्या है, तो ये के है आपका कॉन्स्टेंट, क्या है, ये के कांस्टेंट है, जिसको कि हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। अब देखिए यहां पर जो ये फोर्स है, ये जो फोर्स स्प्रिंग के द्वारा जो लगाया जा रहा है, ये जो माइनस एफ है ये किसके द्वारा लगाया जा रहा है, ये फोर्स जो है किसके द्वारा लगाया जा रहा है, तो स्प्रिंग के द्वारा लगाया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्प्रिंग फोर्स कहेंगे, स्प्रिंग
फोर्स, या इसको बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। तो इस इक्वेशन से कहने का मतलब क्या हो गया, ये वाला जो ब्लॉक है आपको, आपने क्या कर दिया, एक्स डिस्टेंस से इसको इधर खिसका दिया, तो ये स्प्रिंग के द्वारा फोर्स लगाया जाएगा। तो किधर फोर्स लगाया जाएगा, इधर की तरफ फोर्स लगाया जाएगा। देखिए आपने इस ब्लॉक को इधर खींच के रखा हुआ है, लेकिन इस स्प्रिंग के द्वारा फोर्स किधर काम करेगा, इधर की तरफ काम करेगा। तो अब देखिए फोर्स क्या है, उल्टा काम कर रहा है, फोर्स उल्टा काम कर रहा है स्प्रिंग के द्वारा जो लगाया जा रहा है फोर्स, तो इसके लिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस एफ लिखेंगे। तो हमारे डियर स्टूडेंट आज के इस वीडियो में बस इतना तक ही रखेंगे, और हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है इसको खत्म। तो हमारे डियर स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर को आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, और देखिए एक बात से मैं इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करना चाहूँगा कि जो अपने अंदर चेंजिंग नहीं ला सकता है वो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।